आज मैं आपके लिए काफ़ी शानदार पेनी स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आप काफ़ी अच्छा रिकमेंडेशन मल्टीपेकर रिटर्न देने वाले स्टॉक देख सकते हैं। ऐसे स्टॉक आपके लिए मैं आज ढूंढ कर लेकर आया हूँ और काफ़ी मेहनत के बाद। अगर इनमें स्टॉकों की बात करूँ, इन्हें स्टॉक कंपनीज की बात करूँ, तो इनों की अगर मैं क्वालिटी वाइज बात देखी जाए तो क्वालिटी आपको इतनी अच्छी देखने को मिलेगी, उसी के साथ में एफिशिएंसी काफ़ी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और कॉस्ट अगर मैं बात करूँ करंट प्राइस की या कॉस्ट की, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे लोएस्ट पे आपको देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में ये आपको मल्टीपेगर रिटर्न देने वाली कंपनी हो सकती है, ऐसी कंपनी काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा और अच्छा खासा रकम आपको दे सकती है, और मल्टीपेगर रिटर्न बनाकर देने वाली कंपनी हो सकती है और अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देगी। ऐसी कंपनियाँ मैं आज आपके लिए ढूंढ कर लेकर आया हूँ। जो ये कंपनियां मैं बताना जा रहा हूँ, तो ये कंपनी क्या काम काज करती है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है टायर्स के रिलेटेड जो कंपनियां आज 3-4 कंपनियां मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इन कंपनियों के अंदर क्वालिटी वाइज और काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी आने वाले समय में। जैसे कि आपने देखा कि MRF ने आप काफ़ी ज़्यादा देखा है, नेक्स्ट MRF आपको ये कंपनी आपको देखने को मिल सकती है। MRF के साथ साथ में ये जैसे कि MRF ने आपको नेक्स्ट कंपनी MRF आपकी ये बनने वाली है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी के अंदर कार रिलेटेड टायर्स बनाती है, कार के साथ साथ में ये साइकिल्स वगैरह के टायर्स भी बनाती है, और हैवी व्हीकल्स के अंदर भी ये कामकाज करती हुई नजर आती है। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा आपको ब्राइट देखने को मिलेगा, और लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देने वाली ये कंपनी बन सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपसे एक चीज़ चाहता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर जो की टीम है, जो ऐसा ही काफ़ी अच्छा प्यार बनाए रखे और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ी रहे और ऐसे लॉन्ग हमें अच्छा खासा प्यार देती रहे, और हमारी जो वीडियो है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पे हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है। यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली कंपनी है जिसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इनोवेशन टायर्स लिमिटेड कंपनी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ में ये कंपनी काफ़ी अच्छा कामकाज करती हुई नजर आती है, और जो कंपनी है कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं जो बिजनेस मॉडल है वो क्या क्या कामकाज करती है। जैसे कि यहाँ पे इनोवेशन टायर्स कंपनी ट्यूब एंड लिमिटेड के अंदर कामकाज करती है, मैनुफैक्चरिंग द ट्यूब्स और कंपनी एंड द इंगेज इन द मैनुफैक्चरिंग द एंड द मार्केटिंग टायर्स। तो ये टायर्स मैनुफैक्चरिंग करती है, उसी के साथ साथ मार्केटिंग भी करती है टायर्स की, वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो सेकंड कंपनी का नाम देख सकते हैं, सेकंड कंपनी का नाम यहाँ पे क्रिप्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का आपको नाम देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ में कंपनी का जो करंट प्राइस है आपको 50 रुपीज़ के आसपास करंट प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की, क्या कब से क्या कामकाज करती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी तो वो 1990 के अंदर आपको स्टेब्लिश देखने को मिल जाती है। वहीं इस कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी है यहाँ पे कंपनी एमसीपी ट्यूबलेस एंड टायर्स के अंदर हॉस्पिटलिटीज के अंदर कामकाज भी करती हुई नजर आती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो बिजनेस मॉडल काफ़ी ब्राइट देखने को मिल जाता है, और बीएससी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है लिस्टेड। वहीं इस कंपनी के अंदर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस आपको जैसे कि मैंने पहले बताया 50 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है, वहीं बुक वैल्यू यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इस कंपनी के अगर मार्केट कैप की बात करूँ 73 करोड़ रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक की बात की जा रही है तो पेनी स्टॉक के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, तो आपको सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर कीजिएगा। ROE/ROC की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के डेट की, डेट इक्विटी की बात की जाए तो डेट और डेट इक्विटी का यहाँ पर बात की जाए 16 करोड़ रुपये कंपनी का डेट है। वहीं अगर मैं बात करूँ डेट इक्विटी 0.55% आपको देखने को मिल जाता है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 से आपको कम देखने को मिल रहा है, जो ये प्लस पॉइंट इस कंपनी का बनता हुआ नजर आता है। वहीं इस कंपनी के अंदर अर्निंग पर शेयर रेशियो की बात की जाए तो 1.7% अर्निंग पर रेशियो देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है इन कंपनी की पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने की हो रही है। और इंडस्ट्री पी की बात की 23 देखने को मिल जाता है। वहीं फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास नेगेटिव देखने को मिल रहा है, और रिजर्व की बात की जाए कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी देखने को मिल रहा है, 15 करोड़ रुपये कंपनी के पास रिजर्व है, जो कंपनी डेट फ्री कंसीडर कभी भी कर सकती है, इस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर भी कर सकते हैं क्योंकि ये 15 करोड़ रुपये यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व भी पड़ा है। कंपनी का अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट 14 करोड़ रुपये कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं DIS और FIS की मैं बात करूँ तो यहाँ पे FIS की कोई होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और DIS की यहाँ पे 0.02% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी के लिए, क्योंकि 0.02% भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पेनी स्टॉक कंपनी है तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हुई नजर आ रही है। वहीं इंटरेस्ट की वैल्यू की बात की जाए तो 13 रुपीज़ इसकी इंटरेस्ट वैल्यू है, और सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि देख सकते हैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ 3 ईयर के अंदर 4.35% यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। अब यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अपन सेल्स ग्रोथ देख रहे हैं वहाँ पे, तो ऊपर यहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ लगातार ये क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो 9 करोड़ से बढ़कर 6 करोड़ से बढ़कर सीधा 11.24 करोड़ रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ यहाँ पर लगातार 10 ईयर के अंदर आपको नेगेटिव देखने को मिली, 5 ईयर के अंदर 2%, 3 ईयर के अंदर 4%, और करंट ईयर के अंदर भी आपको 4% आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर
करंट CAGR की बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी ने कहा ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 ईयर के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे 141% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है। वही 3 ईयर के अंदर आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाता है जैसे कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे 24% या फिर 15% आपको 10 ईयर के अंदर देखने को मिल जाता है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड कंपनी के ऊपर जाने से पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर लेते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर कंपनी यहाँ पे ऑयल के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आती है। कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है जैसे कि 2-व्हीलर 4-व्हीलर का ऑयल यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है, जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड ऑयल बाइक क्वालिटीज के अंदर के लिए ऑयल बनाती हुई नजर आ रही है। और ये कंपनी कौन कौन सी कंट्रीज में काम करती है वो कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ इनका फ्लैग्स आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया के अलावा ये कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती हुई देखने को मिल रही है वो कंपनी आपको सारी ऑल ओवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डिटेल वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए 2-व्हीलर 3-व्हीलर के अंदर, मोटरसाइकिल के अंदर, पैसेंजर कार कंपनी, और यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी आपको यहाँ पे कामकाज करती हुई नजर आती है जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। OTR के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट कमर्शियल व्हीकल्स OTR एंड इंडस्ट्री मैकेनिकल व्हीकल्स के अंदर भी कामकाज करती हुई नजर आती है। इनके टायर्स बनाती है ये कंपनी आपको देखने को मिल जाता है, और इनका कंपनी का जो टेक ओवर है क्या कामकाज करता है वो यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिल जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर कामकाज करती है वो चीज़ भी आपको यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाएगी। लाइबेरिया, इंडिया, ओसाम, USA, दुबई, टर्की, रोमन, सर्बन, इक्विट, ब्राज़ील एंड कंबोडिया, विद सारी कंपनियों के नाम आपको देखने को, यहाँ पे कंट्रीज के नाम देखने को मिल जाती है जहाँ पे ये कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के साथ साथ में ये अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स करती है। तो अदर कंट्री और इंडिया के अलावा भी ये कंपनी अपना आउट ऑफ कंट्री भी अपना माल बेचती है। तो इस कंपनी का अगर सेल्स ग्रो यहाँ पे बात कर लेते हैं, सबसे पहले इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है वीजा टायर्स लिमिटेड, कंपनी का यहाँ पर नाम देखने को मिल जाता है। करंट प्राइस की बात करूँ तो 50 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आज ही की डेट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 4.48% आपको प्लस पॉइंट में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसका करंट प्राइस जैसे कि मैंने बताया था ये 29 अप्रैल के 50 रुपीज़ के आसपास था, और 3-4 दिन के अंदर ही आप देख सकते हैं यहाँ पे 53% आपको देखने को मिल जाता है। करंट प्राइस अगर मार्केट कैप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 65 करोड़ रुपये आपको मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। वहीं पी रेशो की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 39 का या इसका पी रेशो चलता हुआ नजर आ रहा है, जो काफ़ी सही भी है। और ROE यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 26 इसका बुक वैल्यू है। ROE ROIC की बात करें तो यहाँ पे 11.7 ROIC और ROE यहाँ पे 10% आपको देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 रुपीज़ है, जो काफ़ी बेहतर है, अच्छा है। और अपना फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिविडेंड भी अगर कभी देती है कंपनी तो पे आउट करती है। वैसे वहाँ इस कंपनी के अगर कंपनी के एंटरप्राइज वैल्यू की बात की जाए कंपनी के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, तो कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू है तो ऑलमोस्ट कंपनी के यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट इस कंपनी का आपको ये भी देखने को मिल जाता है, तो एक प्लस पॉइंट आपको ये देखने को मिल रहा है। वहीं अगर डेट फ्री की बात की जाए तो कंपनी के अंदर डेट फ्री इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट इक्विटी है जो 1% से भी आपको कम देखने को मिल रही है, तो एक 2% या आपको 2 पॉइंट तो आपको ये मिल गया इसका प्लस पॉइंट। वहीं अगर इसके थर्ड प्लस पॉइंट की मैं बात करूँ तो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 73% प्रमोटर होल्डिंग आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। वहीं से इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो ऑलमोस्ट अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ये कम नीचे की है, और परफॉर्मेंस का अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है, ये कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। नेक्स्ट MRF ये आपके लिए बन सकती है, MRF आपके लिए बन सकती है, ये एक रिकमेंडेशन है। तो आप अपने सलाहकार से और या अपने स्टॉक ब्रोकर से ही सलाह लेकर ऐसे में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और ये चीज़ एक आपको मैं बताने के पर्पज़ से ये चीज़ बताई जा रही है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 3 ईयर की बात की जाए तो अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है करंट ईयर का, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ROE की बात करें, यहाँ पर RSI की बात किया जाए तो 46% इसका RSI ही चलता हुआ नजर आ रहा है। वहाँ ROE यहाँ पर 7.9% आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ग्राम नंबर की बात करते हैं, ग्राम नंबर आपको जैसा कि काफ़ी चीज़ों में आपको पता नहीं होता है, ग्राम नंबर एक चीज़ होता है जो अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस करता हुआ आपको दिखाता है। तो अगर 28 रुपीज़ इसकी ग्राम नंबर आपको देखने को मिल जाए, ये चीज़ प्रोड्यूस करता है अंडर वैल्यू परफॉर्मेंस कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऊपर नहीं का IPO अभी आपको जैसे को बताया कि अभी ही लॉन्च होता हुआ नजर आया था। तो 2022 के अंदर ये IPO करंट मार्केट के अंदर आती हुई नजर आई थी, जब से यहाँ देख सकते क्वार्टर जो 2022 का क्वार्टर रिजल्ट आया था, और यहाँ पे सितंबर क्वार्टर रिजल्ट, और यहाँ पे 2023 का क्वार्टर रिजल्ट, और यहाँ पे सितंबर 2000 क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला, सिमिलरली आपको देखने को मिला, पर नेट प्रॉफिट में यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.081% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो बढ़कर यहाँ पर 0.1 करोड़ रुपए हो चुका है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम ही सिमिलर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हो रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।